नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर विस्तार से। नगर निकाय चुनाव में वार्ड पार्षद से लेकर मेयर तक की खर्च लिमिट तय। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिकाओं के निर्वाचन के संबंध में प्रत्याशियों के खर्च को सीमा निर्धारित कर दी है। इसे आबादी के अनुसार महापौर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अलग अलग राशि निर्धारित की गई है। प्रत्याशी चुनाव परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के अंदर खर्च का लेखा जोखा जमा करना होगा। प्रत्याशियों को इसमें खर्च की मूल प्रति समर्पित करनी होगी। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को कौन है सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए? विनोद सिंह। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को है, इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। माले विधायक विनोद सिंह को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। इन्हें झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। विनोद सिंह बगोदर विधानसभा से 3 टर्म के विधायक हैं। झारखंड गठन के बाद वर्ष 2021 से झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इससे हर वर्ष एक विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्रदान किया जाता रहा है। ईडी की पूछताछ पर बरसे हेमंत सोरेन, हमें चोर उचक का समझाए क्या, अंग्रेजों की तरह इन्हें झारखंड से भगाएंगे। ईडी की 9 घंटे से ज़्यादा चली मैराथन बैठक के अगले दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला। कांके रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस तरह से बुलाया गया मानो वे चोर उचक्के हो। श्री सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोलना जारी रखा। कहा कि जिस तरह से अंग्रेजों को हमने देश से भगाया उसी तरह हमें इन्हें भी झारखंड से खदेड़ देंगे। जानिए झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कब से बढ़ रही है ठंड। झारखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन तापमान में गिरावट के आसार हैं। अगले 3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट हो सकती है, इसमें ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। चतरा में दिन दहाड़े बेच रहा था ब्राउन शुगर, 28 पुड़ियों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के चतरा जिला पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कप्तान राजेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस ने NH-22 चतरा डोभी मुख्य पथ पर स्थित शहर के समीप एक होटल के पास से 28 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा गया है। उसके पास से पुलिस ने एक बाइक भी बरामद किया है। साहिबगंज में राजमहल विधायक ने 1.9 करोड़ की परियोजना का किया शिलान्यास। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कल मंगलाहाट इंटर उच्च विद्यालय में चारदीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस चारदीवारी का निर्माण DMFT योजना के तहत राजमहल विधायक अनंत ओझा के अनुशंसा पर 24 लाख से अधिक की लागत हुआ। विधायक अनंत ओझा ने राजमहल नगर में 18 लाख की लागत से विभिन्न विकास योजना का शिलान्यास भी किया। उन्होंने वार्ड नंबर 1 में महाजन टोली में 5 लाख की लागत से सांप्रदायिक भवन का भी शिलान्यास किया। वहीं वार्ड नंबर 2 के नील कोठी में 4 लाख की लागत से अलमीनार का शिलान्यास, राजमहल नगर के हाटपाड़ा में 5 लाख की लागत से PCC सड़क का निर्माण, वार्ड में नंबर 8 में 4 लाख की लागत से छतदार चबूतरा का निर्माण का शिलान्यास किया। विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को यथाशीघ्र लागू करने की मांग की। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद द्वारा लगातार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने की मांग पर विगत दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में यह घोषणा की थी कि अब से अधिग्रहण को जाने वाली भूमि CB एक्ट से नहीं बल्कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहित की जाएगी और उसका लाभ रहितों को प्राप्त होगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने के प्रस्ताव को यथाशीघ्र कैबिनेट से पास करने की मांग को लेकर शुक्रवार को बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। पूरे विधानसभा क्षेत्र में खनन कार्य कर रही कंपनियों के द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर बगैर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का लाभ प्रदान किए गए खनन कार्य किए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अंबा प्रसाद से यथाशीघ्र कैबिनेट से प्रस्ताव को पास करने की मांग की है। दिल्ली के कोर्ट ने आफ्ताब को 5 दिनों के भीतर नार्को टेस्ट कराने का दिया आदेश। दिल्ली की एक अदालत ने श्रद्धा की हत्या करने और उसे शरीर को 35 टुकड़ों में काटने के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को 5 दिनों के भीतर नार्को टेस्ट कराने का शुक्रवार को आदेश दिया।
साकेत कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की पूछताछ के लिए 5 दिन की अतिरिक्त हिरासत की अनुमति दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, आतंकवाद को किसी धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नो मनी नो फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म राष्ट्रीयता या समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। आतंकवाद को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन हरी झंडी दिखाई जाने के एक सप्ताह बाद ही बछड़े से टकराई। मैसूरु चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को अरक्कोनम के पास एक बछड़े से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। दक्षिण रेलवे चेन्नई डिवीजन के पीआरओ ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि बछड़े के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर को दक्षिण भारत पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। फेक न्यूज व गलत जानकारियों से लोगों को बचाना बड़ी चुनौती। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने गुरुवार को कहा कि वर्तमान में फर्जी खबरों व गलत जानकारियों से लोगों को बचना बड़ी मुश्किल और चुनौती है। उन्होंने कहा कि भारत में 1.2 बिलियन से अधिक मोबाइल फोन यूजर्स हैं जो इन उपकरणों से जानकारियां ग्रहण करते हैं। बकौल चंद्रा, लोगों तक जानकारियां पहुंचाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जोड़ो यात्रा के एमपी में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। इंदौर में नमकीन की एक दुकान के बाहर छोड़े गए एक कथित पत्र में यह धमकी दी गई है। पत्र में लिखा गया कि नवंबर अंत में इंदौर में जगह जगह भयानक बम विस्फोट